दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन टेलीविजन एक्ट्रेस रूपाली गांगुली के सभी टेलीविजन सीरियल, फिल्म्स और उनके वेब सीरीज के बारे में। तो अगर आप भी रूपाली गांगुली के सभी टेलीविजन सीरियल, फिल्म्स और उनके वेब सीरीज के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। रूपाली गांगुली का जन्म 5 अप्रैल 1977 को पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में एक बंगाली हिंदू परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम अनिल गांगुली है, जो की एक डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर थे, और उनकी माता एक हाउसवाइफ है। उनका एक भाई भी है जिसका नाम विजय गांगुली है, जो कि एक कोरियोग्राफर है। और अगर उनके एजुकेशन के बारे में बात करें तो उन्होंने होटल मैनेजमेंट और थिएटर किया हुआ है। और अगर हम रूपाली गांगुली के पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो इन्होंने 6 फरवरी 2013 को बिजनेसमैन अश्विन कुमार वर्मा से शादी की थी, और इन दोनों का एक बेटा भी है। अब हम अनुपमा गांगुली के सभी टेलीविजन सीरियल के बारे में बात कर लेते हैं। तो अनुपमा गांगुली ने अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत 2000 में सुकन्या टीवी सीरियल के साथ अपनी करियर की शुरुआत की थी, जिसमें उन्होंने सुकन्या का रोल प्ले किया था, जो कि 2001 तक चली थी। इसके बाद 2002 में दिल है कि मानता नहीं टीवी सीरियल में प्रिया और अंजलि का रोल प्ले किया था। इसके बाद 2003 से 2004 में जिंदगी तेरी मेरी कहानी में रिया का रोल प्ले किया था। इसके बाद 2003 से 2005 में संजीवनी टीवी सीरियल में डॉक्टर सिमरन का रोल प्ले किया था। इसके बाद 2004 में भाभी टीवी सीरियल में रोशनी का रोल प्ले किया था। इसके बाद 2004 से 2006 में सारा भाई वर्सेस सारा भाई में मोनिशा सारा भाई का रोल प्ले किया था। इसके बाद 2005 से 2007 में कहानी घर घर की टीवी सीरियल में गायत्री अग्रवाल का रोल प्ले किया था। इसके बाद 2005 में काव्यांजलि टीवी सीरियल में मोना का रोल प्ले किया था। इसके बाद 2006 में यस बॉस में शर्मिली का रोल प्ले किया था, जो कि एक एपिसोडिक रोल था। इसके बाद 2006 से 2007 में बिग बॉस के पहले सीजन में नजर आई थी, और इस सीजन में उन्होंने 6ठा स्थान प्राप्त किया था। इसके बाद 2007 में सपना बुलबुल का विदाई में रूपा का कैमियो रोल प्ले किया था। इसके बाद 2008 में एक पैकेट उम्मीद का में सुजाता का रोल प्ले किया था, और इसी साल 2008 में जरा नच के दिखा में एज ए कंटेस्टेंट नजर आई थी। इसके बाद 2009 से 2010 में बा बहू और बेबी में रेखा का रोल प्ले किया था। इसके बाद 2009 में आपकी अंतरा में अनुराधा का रोल प्ले किया था, और इसी साल 2009 में फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी के सीजन 2 में इन्होंने भाग लिया और बड़ावा स्थान प्राप्त किया था। इसके बाद 2010 में किचन चैंपियन के दूसरे सीजन में एज ए कंटेस्टेंट भाग लिया था, और इसी साल 2010 में मीठी छुरी नंबर 1 में एज ए कंटेस्टेंट भाग लिया। इसके बाद 2011 में अदालत टीवी सीरियल में पब्लिक प्रोसिक्यूटर रोहिणी मलिक का रोल प्ले किया था, और इसी साल 2011 में मुझे मेरी फैमिली से बचाओ में स्वीटी अवस्थी का रोल प्ले किया था। इसके बाद 2011 से 2013 में परवरिश कुछ खट्टी कुछ मीठी में पिंकी जीत आहूजा का रोल प्ले किया था। इसके बाद 2013 में बायोस्कोप को होस्ट किया था। इसके बाद 2020 में अनुपमा टीवी सीरियल में अनुपमा अन्नू जोशी कपाड़िया का रोल प्ले किया था, और ये टीवी सीरियल अभी तक चल रही है। इसके बाद 2022 में रविवार विद स्टार परिवार में नजर आई थी। इसके बाद 2023 में चांद जलने लगा टीवी सीरियल में अमृता वनराज सहगल का रोल प्ले किया था। और अगर उनके वेब सीरीज के बारे में बात करें तो इन्होंने 2017 में सारा भाई वर्सेस सारा भाई टेक 2 में मोनिशा सारा भाई का रोल प्ले किया था। इसके बाद 2022 में अनुपमा नमस्ते अमेरिका में अनुपमा अन्नू जोशी शाह का रोल प्ले किया था। अब हम रूपाली गांगुली के सभी फिल्मों के बारे में बात कर लेते हैं। तो रूपाली गांगुली ने अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत 1985 में साहेब फिल्म के साथ अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत की थी। इसके बाद 1987 में मेरा यार मेरे दुश्मन में इन्होंने काम किया। इसके बाद 1990 में बलिदान फिल्म में इन्होंने काम किया, जो कि एक बंगाली फिल्म थी। इसके बाद 1997 में दो आंखें 12 हाथ में इन्होंने नीता का रोल प्ले किया था, और इसी साल 1997 में अंगारा फिल्म में गुलाबी का रोल प्ले किया था। इसके बाद 2008 में दशावतार में अप्सरा को अपनी आवाज दी थी। इसके बाद 2011 में सतरंगी पैराशूट में सुमित्रा शर्मा का रोल प्ले किया था। तो रूपाली गांगुली की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर के जरूर बताना, और रूपाली गांगुली के कौन सी टीवी सीरियल आपको सबसे ज्यादा पसंद है और किस टीवी शो में आपने सबसे पहले रूपाली गांगुली को देखा था, इसी भी कमेंट में लिखकर के जरूर बताना। और अपने फेवरेट टीवी एक्टर और एक्ट्रेस की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर इस तरह की बहुत सारी वीडियो पहले से अपलोड है, तो जाइए उन्हें देखिए और इंजॉय करें। मैं मिलता हूं आपसे किसी और नए वीडियो में।